अगर आप भी घंटों घंटों जिम करते हैं, घंटों घंटों एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से भी हमारे शरीर में बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कितना देर वर्कआउट करना चाहिए और ज़्यादा देर वर्कआउट करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उन नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज कंटिन्यूसली मेरे चैनल पर आती रहती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि एक व्यक्ति को एक वीक में 5 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अगर आप कई कई घंटे तक वर्कआउट करते हैं तो उससे आपके शरीर में बहुत तरीके के नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान जो ज्यादा वर्कआउट करने से होता है वो होता है टायर्डनेस और आपका स्टेमिना का कम होना। जब हम वर्कआउट करते हैं तो उससे हमारे टिश्यूज ब्रेक होते हैं, हमारी मसल्स ब्रेक होती है, नई मसल्स डेवलप होती है, और अगर हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो यानी कि हमारी मसल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, खुद को बहुत ज्यादा एंगेज करके रखते हो इन एक्टिविटीज में, तो आपकी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, जिससे आपको लगातार मसल्स लॉस होता रहेगा। लगातार बहुत ज्यादा देर तक वर्कआउट करने की वजह से, ज्यादा मसल्स लॉस की वजह से कौवा महसूस करेंगे, स्टेमिना की कमी भी आपको महसूस होगी। ज्यादा देर वर्कआउट करने का दूसरा जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो पड़ता है हमारे फेस पे। जब हम कोई भी योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारे फेस का ग्लो इंक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो वो हमारे फेस को डल बना देता है। उसका बहुत बड़ा कारण होता है ज़्यादा देर वर्कआउट करने की वजह से ज़्यादा देर तक फेस पे स्वेट रहना। अगर ज़्यादा देर तक आपके फेस पे पसीना रहेगा तो वो आपकी बॉडी के साथ में रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से आपका फेस आपको डल महसूस होता है। प्रॉब्लम को कम करने के लिए एक तो आपके जो वर्कआउट आवर्स हैं उसको आपको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, और दूसरा आपको अपनी स्किन केयर का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपने फेस को आपको अच्छे से वॉश करना है, अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, जो आपके फेस के ग्लो को मेंटेन रखें, और साथ ही साथ जो हमारे फेस का ऑयल होता है उसको बैलेंस रखें, जो हमारे फेस के ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी दिक्कत जो आती है ज़्यादा वर्कआउट करने से, वो आती है आपके घुटनों में दर्द की। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स करते हैं, उनमें कुछ टाइम के बाद में घुटनों में दर्द की समस्या देखी जाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा वर्कआउट करने से सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे पैरों की मसल्स पर पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे पैरों पर होता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इस तरीके की दिक्कत दिखाई ना दे, क्योंकि जब हम शुरू शुरू में वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे सिर्फ हमें पॉजिटिव चेंजेस ही दिखाई देते हैं। हमारा फैट लॉस हमें दिखाई देता है, वेट लॉस हमें दिखाई देता है, स्टेमिना हमें बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली लॉन्ग आवर्स तक वर्कआउट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप वर्कआउट्स करें, स्पेशली जब आप कार्डियो वर्कआउट करें या फिर आप वेट ट्रेनिंग करें, उस वक्त अपने घुटनों को एक सही सपोर्ट दीजिए, और इसके अलावा अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। जितना ज़्यादा वर्कआउट करना ज़रूरी है वजन घटाने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, फैट लॉस के लिए, उतना ही आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है। जब हम रेस्ट करते हैं उससे हमारी नई मसल्स डेवलप होती हैं, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से, वो आपने देखा होगा हेयर फॉल का प्रॉब्लम। इसका रीज़न होता है ज़्यादा देर वर्कआउट करने की वजह से ज़्यादा स्वेट करना। जितना ज़्यादा देर तक आप वर्कआउट करोगे उतना ही ज़्यादा स्वेट, उतना ही ज़्यादा पसीना आपके बालों की जड़ों में रहेगा, और जितना ज़्यादा देर तक आपके बालों की जड़ें गीली रहेंगी वो आपके बालों को उतना ही कमज़ोर बनाती हैं। इससे बचने के लिए एक तो आपको आपके बालों की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, और दूसरा आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा देर तक स्वेट आपके बालों की जड़ों में ना रुके। अक्सर जो लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्कआउट करते हैं उनमें साइटिका का प्रॉब्लम होना, कमर दर्द होना, लोअर बैक मसल्स में खिंचाव होना, स्लिप डिस्क होना, इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं। उसका भी यही कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, अपने शरीर को पूरा रेस्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए एक तो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट टाइम ज़रूर देना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जितना आपको वर्कआउट ज़रूरी है उतना ही रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो आप डेली 40 से 45 मिनट भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपके हेल्दी बॉडी के लिए सफिशियंट है।
इसके अलावा एक्सरसाइज के साथ साथ आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में जाता है, और जब ऑक्सीजन सही मात्रा में जाता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा सही रहती है तो हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को रिजुनेट करने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत हेल्पफुल है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप वीक में 7 डेज वर्कआउट करते हो तो आप एक दिन सिर्फ वॉकिंग के लिए रखिए, या फिर एक दिन आप एज अ रेस्ट डे भी छोड़ सकते हैं, यानी कि आप 7 की जगह सिर्फ 6 दिन वर्कआउट कीजिए, और 40 से 45 मिनट वर्कआउट सफिशियंट है आपके फैट लॉस के लिए भी और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी। वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने न्यूट्रिशन का सही ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही मात्रा में न्यूट्रिशन होना शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।